Amazing feather. चुपचाप गाड़ी चला। कौन हो तुम? भेजा उड़ा दूंगा। गाड़ी चला। क्या चाहते हो तुम यार मुझसे? गाड़ी चला। भाई कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? 17 फरवरी याद है? 17 फरवरी यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो तुम? 17 फरवरी 2015 मंगल की रात। यार होगी 17 फरवरी की रात यार, तुम मुझसे ही क्या चाहते हो? उस रात तुम ही थे ना गाड़ी में, तुम उतरे भी थे लेकिन फिर गाड़ी में बैठ गए थे और फिर तुमने मेरे दोस्त, ये गाड़ी मैंने 10 दिन पहले ही ली है मेरे दोस्त, कहो तो परचेजिंग स्लिप दिखा दूं। गाड़ी रोको। गाड़ी किससे खरीदी तुमने? भाई तारिक रोड से ली थी मैंने, शोरूम से। जिससे खरीदी उसका NIC है? हाँ NIC भी है, स्लिप भी है उसकी मेरे पास। दो मुझे जल्दी। ये लो भाई। इसको जानते हो? नहीं भाई। भूल जाना कि तुम्हें आज किसी ने रोका था और किसी को तुमने ये NIC की कॉपी दी है। ठीक है भाई, समझे? ठीक है। जी ये शाह साहब का घर यही? जी यही है। आप कौन? मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। शाह साहब हैं घर पे? उन्होंने आपको आ जाने को बोला था क्या? जी हाँ, मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। लेकिन वो तो एक हफ्ते से दुबई गए हुए हैं, आपकी कब बात हुई? वो मेरी उनसे एक्चुअली एक हफ्ते पहले ही बात हुई थी, वो मैं ही कुछ आने में लेट हो गया। आप अपना नाम बता दें, वो आएंगे तो मैं बता दूँगा। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे फ़ोन पर रब्ता कर लूँगा। वैसे बता सकते हैं कि शाह साहब कब तक आ जाएंगे? उनको एक हफ्ता भी लग सकता है और 10 दिन भी लग सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच।
सलमान, सलमान क्या कर रहे हैं आप, इतना लेट हो गए हम। अरे दो मिनट तो ठहरो, मैं जरा फ्रेश तो हो जाऊं। आपको पता था ना आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो जल्दी आना चाहिए था आपको। जल्दी आता लेकिन बॉस ने एक जरूरी काम से ऑफिस में रोक लिया था। बस 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 बस, जितनी लापरवाही दिखानी है ना अभी दिखा दें, जब आप पापा बन जाएंगे ना ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। आ गया बस यार। ओफो, जल्दी करिए ना। अरे सबर तो करो, बहुत टाइम हो गया है, डॉक्टर डांटेगी मुझे पता है। डॉक्टर है कि अम्मी है तुम्हारी, डांटेगी। भाई आप जल्दी से कर लें, वैसे ही बहुत लेट हो चुके। अरे बाल भी बनाएंगे अभी आप? कुछ तो करने दो, चलो चलें। अरे तुम्हारे लिए। थैंक यू। प्यारी है ना? बहुत प्यारी है। लेकिन तुमसे कम। तुम्हें याद है जब तुम मंगनी के बाद अपनी खाला के साथ चूड़ियां लेने के लिए मार्केट गई थी, तो वहां तुमको ये अंगूठी पसंद आई थी? अच्छी तरह याद है, कैसे भूल सकती हूँ? मैं भी नहीं भूल सकता, इसलिए आज ये तुम्हारी उंगलियों में मौजूद है। कुछ नहीं बचा मेरे पास, ना कुछ खोने को है ना कुछ पाने को। लेकिन यही मेरा मकसद है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उसी दिन के लिए जिंदा हूं, उसी लम्हे के लिए सांसें चल रही हैं जब मेरा बदला पूरा होगा। सॉरी सॉरी, इतनी देर हो गई है बाजी के फोन पे फोन आ रहे हैं। अरे यार बाजी खुद कौन से टाइम पे आ जाती हैं? अच्छा शाहिद अब चलें बस। तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? अगर 10 मिनट देर से चलेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? तुम बातें ऐसी करती हो। अच्छा बस जल्दी चलें आप, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? पहले तुम्हारी मेडिसिन लेंगे उसके बाद जाएंगे। वो तो हम वापसी भी ले सकते हैं ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? खबरदार जो ऐसी लापरवाही करी इन दिनों में खास ख्याल रखना पड़ता है यार। रखती तो हूँ अपना मैं ख्याल। रखी ना लो, एक नंबर की लापरवाह हो तो। अच्छा ना बस जल्दी चले।
यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? सामने ही मेडिकल स्टोर है, मैं बस 2 मिनट में गया और क्रॉस करके तुम्हारी दवाई लेके आता। तो वहाँ रोकने में क्या मसला था? अरे यार यूटर्न बहुत दूर है और वैसे भी हमें इसी रोड पे जाना है, मैं बस 2 मिनट में गया और आया। जल्दी आना, सुनसान हो रहा है ये रोड। हेलो, देखिए मैं शाहिद बात कर रहा हूँ, मेरी कार चोरी हो गई है, आप प्लीज चेक करके बताएं मेरी गाड़ी कहाँ है। तो सिर्फ गाड़ी खड़ी कर गया था, लेकिन मैं जैसे ही वहां पे से वापस आया तो अंदर कोई भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो बाहर खड़ी है। किसी पे कोई शक, कोई दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब। कोई घरेलू या खानदानी मसला? मेरा मतलब है ससुराल वालों का कोई मसला तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आपने जो कहानी सुनाई है उससे लगता है कि आपकी बीवी को अगवा किया गया है, क्योंकि गाड़ी तो वैसे ही छोड़ गया है, आपकी बीवी को ले गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कुछ करें, वो प्रेग्नेंट है इंस्पेक्टर साहब। मैं समझ सकता हूँ शाहिद साहब आपकी तकलीफ को, अभी जो नंबर आपने मुझे दिया है 5 मिनट में उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा कहाँ पर है वो। आपकी बेगम का मोबाइल कुछ देर बाद ही बंद हो गया था। तो फिर अब क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? कोशिश करते हैं, आप भी दुआ के साथ इंतजार कीजिए। जो कोई भी है ना वो आपसे ज़रूर रब्ता करेगा और यकीनन करेगा, अगवा किया है तो किसी मकसद के लिए किया होगा, मेरा मतलब है पैसा वैसा चाहिए होगा उनको। आपके पास जैसी कॉल आए आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमें जैसी कोई खबर मिली, आपका नंबर है ना मेरे पास, मैं खुद आपको कॉल करूंगा, अभी आप जा सकते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे क्यों लाए हो यहाँ पे, बताते क्यों नहीं? ये खाना और तुम्हारी दवाइयाँ हैं, इन्हें खा लो तुम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो प्लीज, खुदा का वास्ता है तुम्हें। देखो खाने को इस तरह धुतकारते नहीं है, और वैसे भी इन दिनों में तुम्हें अपने खाने पीने का ख्याल करना चाहिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आधे घंटे के बाद वापस आऊंगा, और अगर तुमने ये खाना और दवाइयां नहीं खाई ना तो फिर मैं तुमको बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। तुम मेरी बात को समझो। देखो मैं
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम खाना खाओ, दवाई खाओ, टीवी देखो, सुकून से रहो। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। तुम डरो नहीं मुझसे, तुम्हारी इज्जत महफूज है। साहब कुछ पता चला ही ना का कि कॉल आई? कॉल तो आपको सही ना मेरे भाई। इंस्पेक्टर साहब अगर आप ऐसे ही हाथ में हाथ रखे बैठेंगे तो कैसे चलेगा? ओ भाई अब आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है? अगर आप ऐसे ही लापरवाही से काम करेंगे तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। बहुत धीमा ले जाएगी। I'm sorry इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब प्लीज समझे इंस्पेक्टर साहब, उसके और मेरे होने वाले बच्चे दोनों की जान को खतरा है। सुखी साहब प्लीज, सुखी साहब आप समझने की कोशिश करें। शाहिद साहब आपकी तकलीफ का अंदाज़ा है मुझे, आप एक काम कीजिए, एहतियातन हॉस्पिटल और मुर्दा खाने का चक्कर लगाइए, चेक करें मुझे आपके ज़रा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सुखी साहब? ये आपका और आपकी वर्दी का फर्ज है कि अगर कोई आया तो उसकी पता की जाए, ये नहीं कि उसका किस तरह का बिहेव किया जाए। सुखी साहब आप कानून के मुताबिक नहीं कर रहे, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शाहिद साहब अब आप जब आएंगे जब मैं खुद आपको कॉल करूंगा, बिन बुलाए आएंगे तो आपसे ज़्यादा कानून मैं जानता हूँ, जा सकते हैं आप। हेलो ये सूट तुम ट्राई कर लो। इतना ख्याल है मेरा तो मुझे जाने क्यों नहीं देते? जो काम मैंने जिस वक्त पर करना है उसको मैं उसी वक्त पर करूंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ तुम्हारी उतनी इज्जत कर रहा हूं जितनी इस माशरे में किसी औरत की करनी चाहिए। मैं अब तक समझ नहीं पा रही तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मुझे यहाँ लाए क्यों हो? किसी को उसी तकलीफ का एहसास दिलाने, उसी कर्ब का जिसका मैंने सामना किया है। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही हो, मुझे पूरी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम्हारा शौहर बहुत प्यार करता है ना तुमसे? हाँ। और तुम लोग मम्मी पापा भी बनने वाले हो। किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी खुशी होती है। सोचो अगर इस मोड़ पर सब कुछ खत्म हो जाए, तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा दोनों, तो ये जोड़ा किसी ने नहीं पहना, बिल्कुल नया है ये। मैं अपनी शादी की पहली सालगिरह पर शाजिया के लिए लेकर आया था। सलमान आज हमारी एनिवर्सरी है और आप मुझे ये गिफ्ट कर दें। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बस ठीक ही है। अरे बस सही है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मतलब लैपटॉप, आईफोन, टैबलेट। टैबलेट। अच्छा देखो अभी तुम्हारी अगले महीने सालगिरह आ रही है, ठीक है, उस पर तुम्हारा टैबलेट पक्का। वादा? वादा, लेकिन चाइना वाला। भाई सलमान। ओके बाबा ओके, ब्रांडेड दिला दूंगा बस। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज हम डिनर के लिए कहाँ चलें, बताओ। सलमान आपने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया ना, इट्स नॉट गुड। ओके भाई आपकी मर्जी के बगैर हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं, आप बताइए कि कहाँ चलना है जनाब आपने। अच्छा ठीक है तो हम वहीं जाएंगे जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे। ओह इतना दूर, चलो ठीक है चलते हैं। दूर? शादी से पहले तो दूर नहीं होता था। हाँ ना, अब तुम मेरे पास जो आ गई हो तो वो दूर हो गया और तुम पास। इसका मतलब मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा चलो ठीक है चलते हैं।
चलो तैयार हो जाओ। ओके। वैसे शाजिया, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला है ना। वाकई पूरे 2 साल पहले आए थे हम यहाँ, और जब 2 साल पहले यहाँ पर आए थे तो अपनी अपनी जिंदगियों में आजाद, और 2 साल के बाद जब हम यहाँ पर आए तो बहुत सारी खुशियाँ मनाने आए हैं। वैसे शाजिया, तुम अपना बहुत ख्याल रखा करो। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं है। शाजिया, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को हर वो खुशियाँ दूँ, उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करूँ जो हमारी अपनी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकी अब तक। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। बाय द वे, मुझे लगता है कि हमें केक काटना चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल। यस प्रिंसेस। जी नहीं, हमें केक काटना चाहिए। अरे भाई, तुम केक काटोगी, मैं ताली बजाऊंगा ना। वेडिंग एनिवर्सरी किसकी है? हम दोनों की है ना। चलें। ओके चलो। सलमान, मुझे लगता है कि अब हमें एक छोटी गाड़ी ले लेनी चाहिए। वो क्यों भाई, मुझसे अकेले बाइक पे नहीं बैठा जाता, तो फिर बच्चों के साथ कैसे मैनेज करूंगी मैं। अरे भाई, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम छोटी गाड़ी क्यों नहीं ले सकते, और वैसे भी अभी मेरी बीसी खुलने वाली है ना, उसके पैसे मैं सेव कर लूंगी, और आपका भी प्रमोशन होने वाला है तो पैसों की तो कोई टेंशन नहीं। बस अब हम छोटी गाड़ी लेंगे, और कुछ नहीं सुनना मुझे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई, मुझे तो गाड़ी से ज़्यादा बाइक में मज़ा आता है। बाइक में खुला डुला माहौल होता है, हवा लगती है, ज़रा मज़ा आता है, और बहुत एडवेंचरस लाइफ होती है, पता है मुझे। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता कुछ। अरे यार, सवारी तो सारी खतरनाक होती है, जान जाने का खतरा तो सब में होता है। लेकिन शाहिद ऐसा नहीं कर सकते। उसने शाजिया को बड़ी बेदर्दी से कुचला। शाहिद इतने बेरहम नहीं है, वो तो अगर किसी को तकलीफ में देखे तो खुद तड़प जाते हैं। अगर उनसे एक्सीडेंट होता तो वो भागते नहीं। शाजिया को कुचलना तो दूर, वो आप दोनों को अस्पताल लेकर जाते। मेरी शाजिया को, मेरे होने वाले बच्चे को, मेरी जिंदगी को तुम्हारे शौहर ने कुचला है, और अब मैं क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले आया ना? हाँ, मैं तो अकेले आया हूँ, लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो तुमने मुझे अभी बुलाया? यार मैं थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हूँ, और तुझे इस गाड़ी की पड़ी है। थाने के चक्कर क्यों? यार वो मेरी बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है, और फिर ना कोई डिमांड ना रब्ता। शिट यार, मुझे इसी चीज़ का डर था। मैं काफ़ी दिन से तुझे कांटेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन यार कुछ ऐसी फटीकों में फंसा के तुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। क्या मतलब, तू कहना क्या चाह रहा है? यार 2 हफ्ते पहले मैं एक स्टोर से निकला, सत्रह फरवरी वो रात। Oh my God!
हेलो, तुम्हारी बीवी अभी तक तो खैरियत से है, उसे दवाइयां भी ला दी हैं मैंने। कौन हो तुम? नहीं पहचाना, या होशियार बन रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? आखिर मैंने क्या किया? 17 फरवरी की रात 12 बजे। देखो देखो, तुम जो कोई भी हो तुम गलत समझ रहे हो। तुम प्लीज मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे सब मालूम है। देखो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, वो मैं नहीं था। देखो देखो प्लीज, तुम मेरी बीवी को नुकसान मत पहुंचाना। अच्छा प्लीज तुम ये बताओ कि मुझे कहाँ है, मैं तुम्हें मिलके पूरी बात बताना चाहता हूँ। क्या बताओगे? यही कहोगे ना कि ब्रेक फेल हो गए थे, तुम्हें बाइक नजर नहीं आई थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था। तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा कि क्या हुआ था। देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। तुम नशे में धुत थे, तुमने उसे नशे में मारा, और उसको मारा ही नहीं बल्कि। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीवी तुम्हारे पास है, अगर अगर मैं होशियारी करूंगा तो तुम उसे खत्म कर सकते हो। इससे बड़ी और क्या बात कहूं मैं? प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम जहां कहोगे मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, तुम सामने क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें जो बोलना है वो वहीं रहकर बोलो। उस रात मुझे ऑफिस में बहुत देर हो गई थी। मुझे अचानक याद आया कि मुझे एटीएम से पैसे निकलवाने, क्योंकि मुझे अगले दिन ही ऑफिस के काम से लाहौर जाना था, और फिर हिना को भी कुछ पैसे चाहिए थे। मैं एटीएम पे रुका और पैसे लेके जैसे ही वापस निकला तो गाड़ी चला। लेकिन आप हैं कौन? कोई इशारे नहीं, चारों तरफ मेरे बंदे, चल सीधे चल। लेकिन आप कौन, कहाँ? चल शैतान तू, चल। बोल रहे हो तुम? यही सच है। अब मैं उस डाकू को कहां से पकड़ के तुम्हारे सामने लेके आऊं? अच्छा, तो वो डाकू सब कुछ ले गया और गाड़ी छोड़ गया और तुम्हें भी छोड़ गया, और तुम भी ठीक हो और गाड़ी भी ठीक है अब तक? हां, वो अग्नि सिग्नल पे उतर गया था, तुम्हारा एनआईसी गया, तुम्हारा सारा सामान छीना, और तुमने एफआईआर तक नहीं कटवाई उसकी? मैं एफआईआर कटवाने गया था, लेकिन वहां पहुंचा तो हाँ बोलो सब। हाँ क्या हुआ? जो रोड पर एक्सीडेंट हुआ है हम स्पॉट पर हैं, लगता है कोई गाड़ी मार गई है। वहाँ पे किसी ने देखा हो? नहीं सर, सुनसान रोड है, औरत ऑन स्पॉट डेड थी, बंदा जख्मी था, इसको एम्बुलेंस में भिजवा दिया है। अच्छा तुम ऐसा करो कि वहाँ से मोटरसाइकिल और जो जो सामान तुम्हें वहाँ से मिला है वो सारा थाने लेके आओ जल्दी। ओके सर। ओके जी, आप क्या कह रहे थे? एक्चुअली वो मैं डॉक्यूमेंट्स भूल के आ गया हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आता, मैं डर गया था, क्योंकि पुलिस वालों को तो सिर्फ केस डालना होता है, चाहे किसी के ऊपर भी डाल दें,
तुम अपनी बीवी को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो मुझे, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सच है? तुम जो चाहो कसम ले लो मुझसे, यही सच है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही कहता। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, तुम खुद बताओ तुम्हें सबूत के तौर पर क्या चाहिए। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें खुद थाने ले चलता हूँ, मैं तुम्हें इंस्पेक्टर से पूछवा देता हूँ। लेकिन अगर उसने हाँ कहा तो फिर तो तुम मेरी बात पे यकीन कर लोगे ना? प्लीज प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो। मेरी बीवी और मेरा होने वाला बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। प्लीज प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो। कहाँ हो तुम सुन रहे हो ना? कौन हो भाई, किसको आवाज दे रहे हो? वो चला गया। यहाँ तो कोई नहीं है भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सच बोला हो या झूठ, जो होना था वो तो हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, वो सच नहीं बोल रहा, वो सब कुछ झूठ बोल रहा है। मैं उसे क्यों माफ करूं? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तड़पाऊंगा, तरसाऊंगा उसको, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तरसा, जिस तरह मैं तड़प रहा हूं। खून का बदला खून, जुल्म का बदला जुल्म, और बेरहमी का बदला बेरहमी। हेलो जी, मैं रास्ते में हूं। जी, मैं पहुंच रहा हूं, मैं बस 10 से 15 मिनट पहुंच रहा हूं। डॉक्टर साहब, मैं शाहिद, हिना का शौहर। अच्छा अच्छा, मुबारक हो आपको, आपके यहाँ बेटी हुई है क्या? जी हाँ, माँ बेटी दोनों सेहतमंद हैं और अभी थोड़ी देर में उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप मिल लीजिएगा उनसे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। पहले अल्लाह का, उसके बाद उस बंदे का शुक्र अदा कीजिए जो वक्त पे आपकी बीवी को हॉस्पिटल लेकर आया। जिसने माफ किया और काम संवारा तो उसका अज्र अल्लाह पर है, बेशक वो दोस्त नहीं रखता जालिमों को।